दोस्तों, अगर आप भी अपने किसी ई वॉलेट बैलेंस को एटीएम कार्ड के माध्यम से मशीन से निकालना चाहते हैं तो अब आपके लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि हाल ही में एनपीसीआई ने एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है जिसके बाद सभी यूज़र अपने ई वॉलेट यानी कि पेटीएम के अंदर, अगर पेटीएम वॉलेट के अंदर अगर आपका बैलेंस पड़ा है, अमेजोन ई वॉलेट में आपका बैलेंस पड़ा है, मोबीक्विक में पड़ा है, या जितने भी ई वॉलेट प्लेटफॉर्म हैं, अगर आपके उस वॉलेट में पैसा पड़ा है तो अब आप डायरेक्ट कैश विड्रॉल कर सकते हैं, वो भी एटीएम से। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया, एनपीसीआई ने हाल ही में एक पार्टनरशिप की है, वो पार्टनरशिप की है ओमनी कार्ड के साथ। जी हाँ, ओमनी कार्ड एक कंपनी है जो अपने यूज़रों को रुपए वॉलेट प्रोवाइड कराता है। इसी के साथ साथ इन्होंने एक नई फैसिलिटी लॉन्च करने के बाद बताई है, जिसके बाद कोई भी यूज़र जिसका ई वॉलेट में बैलेंस पड़ा है वो अपने ई वॉलेट बैलेंस को कन्वर्ट कर सकता है कैश में, और कैश और जो वो रुपए कार्ड कंपनी प्रोवाइड कराती है उस रुपए कार्ड के माध्यम से आप एटीएम मशीन से पैसे भी निकाल सकते हैं। तो है ना ज़बरदस्त खबर, यानी कि जितने भी यूज़र जो पहले ई वॉलेट को यूज़ करते थे तो उनका जो ई वॉलेट बैलेंस होता था वो उन्हें कन्वर्ट करने के लिए यानी कि कैश में निकालने के लिए उन्हें बहुत सारी ट्रिक लगानी पड़ती थी, जैसे कि अमेजोन पे बैलेंस को अगर आपको कैश में कन्वर्ट करना है तो बहुत सारे ऐप के अंदर आपको ट्रांजैक्शन करने थे, तब आपका बैलेंस बैंक में आता था और बैंक के बाद भी आपके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लग जाते थे, यानी कि आपके पैसे वगैरह भी खर्च होते थे। लेकिन जब ये कंपनी आपको यानी कि ओमनी कार्ड आपको रुपए कार्ड प्रोवाइड करा देगी तो वहाँ पर आपको थोड़े बहुत चार्जेस में, यानी कि अभी तो चार्जेस का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन आप किसी भी ई वॉलेट को यानी कि पेटीएम का वॉलेट हुआ, मोबीक्विक का हुआ, या जितने भी वॉलेट प्लेटफॉर्म हैं वहाँ का पैसा आप कैश में निकाल सकेंगे, यानी कि कैश विड्रॉल कर सकेंगे उस रुपए कार्ड के माध्यम से जो आपको ओमनी कार्ड कंपनी प्रोवाइड कराएगी, और वो एटीएम मशीन से विड्रॉ हो सकेंगे। तो सभी यूज़रों के लिए कमाल की खबर है, जिनके पास ई वॉलेट में बैलेंस आता रहता है, वो ट्रांजैक्शन ई वॉलेट से ज़्यादा करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर साबित होने जा रही है। आप किस तरीके से इस सर्विस का फ़ायदा ले सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।